हरिद्वार में होने वाले कुंभ में सनातन धर्म की प्राचीनता और महत्ता बताने के लिए कन्याकुमारी से हरिद्वार तक कुंभ संदेश यात्रा निकाली गई। मानव धर्म को समर्पित सनातन संस्कृति के संरक्षण में लगी संस्था मिशन 5151 की ओर से बीते फरवरी में कन्याकुमारी से निकली कुंभ यात्रा में शहर दर शहर हरिद्वार तक सनातन धर्म के बारे में बताने के साथ साथ छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से भी जागरूक किया गया। काशी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान डंडी स्वामी अनंतानंद महाराज ने बताया कि कुंभ यात्रा के जरिए भारतवासियों को उनके प्राचीन सनातन धर्म को लेकर उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए इस कुंभ यात्रा की शुरुआत की गई है। यात्रा तो सतत चलना चाहिए, लेकिन इसका जो नाम दिया गया है कुंभ संदेश यात्रा, जो श्रीनिवास रेड्डी साहब, बसंत जी और अविनाश जी आपके बीच अभी आएंगे, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मेला देखेंगे तो कुंभ है। और यह दुनिया में जिस तरह से सनातन धर्म को लांछित किया जाता है कि यहाँ भेदभाव है, यहाँ तमाम तरह का ऊंच नीच की बात है, तो यह कुंभ उन ऐसे संवाद को कहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा प्रैक्टिकल स्वरूप है कि यहाँ कोई भेद नहीं है, बल्कि सभी आते हैं और गंगा में स्नान करके अपने अपने वैचारिक ज्ञान को वहाँ पर चिंतन में लाकर सृष्टि के कल्याणार्थ उसको वहाँ से निरूपित करने के लिए अलग अलग लोगों को डिप्यूट करके और सन्यासी साधु संतों के रूप में सनातन की जो बात है वो प्रेषित किया। प्रयागराज से चल करके हैदराबाद पहुंचा। 19 फरवरी को कुंभ संदेश यात्रा आरंभ हुई और हम लोग लगातार चलते हुए 27 फरवरी को कन्याकुमारी से पुनः इस यात्रा को आरंभ किए और 31 मार्च को हम लोग 24 तारीख से 31 मार्च तक पदयात्रा के माध्यम से ये यात्रा हरिद्वार कुंभ मेले में पहुंचेगी। इस वर्ष कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। ये वैश्विक स्तर पर आयोजन होता है। इस आयोजन में पूरे देश को सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से परिचित कराने के उद्देश्य से दक्षिण भारत से ये यात्रा चली है। ये 40 दिन की यात्रा 7000 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहुँचेगी। दक्षिण भारत के नौजवानों द्वारा आयोजित यह यात्रा उत्तर भारत के विद्वानों को आमंत्रित करते हुए चल रही है और आज हम काशी में पहुंचे हैं। ट्रस्ट के नाम पे हमने कुंभ संदेश यात्रा निकला है कन्याकुमारी से हरिद्वार तक। ये यात्रा का उद्देश्य है जो कुंभ मेले का विशिष्टता क्या है, अभी लोग जो पानी में डूबना आना यही चल रहा है, कुंभ मेला का अर्थ वो नहीं है, वो एक नॉलेज एक्सचेंज का सेंटर है। पूरा विदेशी लोग ने भी रिसर्च कर रहा है और अपना संस्कृति, अपना डीप रूटेड कल्चर और अपना परिवार का सिस्टम और अपना कैलेंडर नहीं है। अभी तो इंग्लिश कैलेंडर हम फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल का 2021, लेकिन अभी कलयुगाब्दी का हिसाब से 5123 अपना कैलेंडर चल रहा है। तो अपना शताब्दी उत्सव है इंडिपेंडेंस का, 1947 में आज़ादी आया, अभी 2047-50 में सेंटेनरी सेलिब्रेशंस होगा, उसका हिसाब से हमने 5151 कलयुग का हिसाब से वो ईयर आएगा 5151। ये 5151 तक ये कुंभ मेला को लेकर के 5151 तक हमारा प्रयास है। ये 5 बुद्धों के ऊपर ये यात्रा निकल रहा है। पुनः परिवार सिस्टम क्या था वो बिगड़ गया, पुनः प्राप्त होना है। विलेज का सिस्टम चले गया, विलेज भी वापस आना है। और जो कुंभ मेला में नॉलेज एक्सचेंज क्या क्या होता है वो अवेयरनेस हमने क्रिएट करने के लिए ये यात्रा निकाला है।